आए दिन विकास की नई नई इबारतें लिखने वाले रीवा जिले में ग्रामीण अंचलों से रोजाना कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो विकास के नाम पर बदनुमा दाग लगा रही हैं। रीवा को विकास के क्षेत्र में भले ही महानगरों का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन रीवा के ग्रामीण क्षेत्र आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। दरअसल विकास के तमाम दावों की पोल खोलती एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें पहले तो सड़क के अभाव में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर घर में ही डिलीवरी करानी पड़ी और जब जच्चा बच्चा को अस्पताल ले जाने की नौबत आई तो उन्हें चारपाई में लिटाकर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ा है। दरअसल यह तस्वीर है रीवा शहर से सटे ग्राम पंचायत चौरा की, जिसमें कच्ची सड़क से ग्रामीण घर से में प्रसव होने के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को चारपाई में लिटाकर गांव से मुख्य मार्ग तक ले जाते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर विकास के उन तमाम दावों की हकीकत बयां कर रही है जिस विकास का लोग राग लाप रहे हैं। आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि ग्रामीण अंचल में सड़कों का क्या हाल है और किस तरह से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला रीवा के ग्राम पंचायत चौरा पोस्ट राहट का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम चौरा में रहने वाली रोशनी कोरी नाम की गर्भवती महिला को अचानक से प्रसव पीड़ा उठी, लेकिन सड़क कच्ची होने के कारण बारिश से वह कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी और ऐसे में किसी भी वाहन का पहुंचना वहां असंभव था, जिसके चलते महिला की जान को जोखिम में डालकर घर में ही प्रसव कराया गया। लेकिन जब बच्चे को जन्म देने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी तो परिजन चारपाई में लिटाकर उन्हें गांव की सड़क से मुख्य मार्ग तक पहुंचे और फिर अस्पताल ले गए। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। खाता हुआ लाया हाँ नहीं बता काटूंगा।